एक तरफ जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। स्थान चाहे उल्लासनगर महानगर पालिका हो या कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे KDMC की मोहोली जल शुद्धिकरण केंद्र के पास पानी का फव्वारा उड़ रहा है और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पानी के फव्वारे के ऊपर टाटा की हाई पावर वोल्टेज करंट लाइन मौजूद है। आप केवल कल्पना कीजिए, अगर पानी का फव्वारा इस लाइन को छू जाए तो क्या होगा। इस फव्वारे के नीचे नहाने वाले लोगों का और उसके नीचे अपनी रिक्शा धोने वाले लोगों का क्या होगा। KDMC क्षेत्र में 6 और 20 अप्रैल को 24 घंटे के लिए पानी आपूर्ति बंद रखी जानी है। पिछले कई महीनों से पेयजल आपूर्ति काटी जा रही है। ऐसे में ना दुरुस्त वाल के कारण आम जनता का खून पसीने का कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।